तो जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वो पार्ट वन है, तो इधर से ही हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, जो कि पार्ट टू में मैंने दिखाया है, तो आगे आप इन्जॉय करें। तो भाई हम थोड़ी देर के लिए रुक गए, थोड़ी देर के लिए पैर वैर सीधे किए हैं इन लोगों ने, बैठ बैठ के। तो भाई मेरे तो दुख गए, तुम लोगों के सलामत है? ये तो यहीं बैठ गए करने, थोड़ी देर के लिए। अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, अभी तो काफ़ी देर है, कम से कम ये मैं 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, 4:30 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। आगे बहुत ज़्यादा दुख पी है, मैं तो सो गया था थोड़ी देर के लिए। बड़े भैया कितनी देर लगेगी हमें? 10 घंटे। टाइम बताओ टाइम, बजे कितने बजे? 6 बजे। तुम भी सो रहे थे? ये भी सो रहे थे, फिर ये जाग रहा था, मैं भी सो रहा था। बैठ बैठ के यार नींद आ जाती है, बहुत बोरिंग। देखते रहो एक सी रोड ऐसा ही है ना, मुझे चार्ज भी नहीं कर सकता मोबाइल भी। हाँ, ऊपर से मैंने तो अपना मोबाइल ही बंद किया था कि चार्ज ही नहीं आ रहा। हाँ, ये कर लो पहले। अबू ज़्यादा कुत्ते नहीं है और ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं बस कंटिन्यूस भगाता रहो मैं गाड़ी। अबू को मज़ा भी बहुत आता है, बड़ा सुकून है। और शहबाज को दोस्त ये शहबाज को बुला रहा है। फटाफट अबू का वेट करते हैं कि अबू जल्दी से आ जाए और फिर हम दोबारा से अपना सफर कंटिन्यू करें। तो अबू आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? नो, आई एम नॉट रिलैक्सिंग। आप खाली हो क्या? क्या अब आप कितने बजे तक पहुँचेंगे आपके बहाने के हवाले से? 7 बजे हम चढ़ेंगे, तो आप 7 बजे का टाइम रखो अपने, मतलब 5 बजे तक पहुँच सकते हैं। मोटरवे के हवाले से? नहीं, अब मोटरवे पे हम गाड़ी तेज नहीं चला सके, अभी हम चला करके आ रहे हैं 750 रुपये का। और सालों के कैमरे लगे हुए हैं, वो हमसे चुप गए, तो हम स्पीड भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि गाड़ी लोडेड है। लोडेड है, तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ लोडेड गाड़ी लोड है, बहुत लोड नहीं है। ये अगर सेडान होती तो 170-180 पे आराम से जाती है। तुम 14 मुंह पोए हुए हैं। हमने कॉफ़ी ली है हमने, ताकि कॉफ़ी कहते हैं कि एनर्जी आती है जिस्म के अंदर। वैसे हम अब सो रहे होते हैं, आप सिर्फ जाग रहे होते हैं। ये लोग तो सब सो रहे होंगे, अभी थोड़ी देर में सब सो जाएंगे। नहीं अब मैं नहीं सो रहा था, हर दफा का ये रास्ते में अभी थोड़ी थोड़ी नींदें लेके बैठे हुए, लेकिन मैं जाग रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मुझे गाड़ी चलानी है। तो अभी रास्ता काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा रास्ता है, सिंध का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, पंजाब छोटा सा। अब हम आपको बोलते हैं हमें गाड़ी देते, लेकिन हम नहीं देते आपको गाड़ी। यूँ नहीं देता कि मोटर वे की ड्राइव और लोकल सिटी की ड्राइव में बहुत फ़र्क है। लेकिन चलाएंगे तो आएगी ना हमें, चलाएंगे आप ही लोगों ने चलानी, हमारी उम्र अब उधर की तरफ जानी पड़ा। अबू मैं नहीं सो रहा था। बहरहाल बात हो रही थी सफर की, हमने कॉफी ली है बड़ी जबरदस्त, कैपेचिनो ली है, और हमने सिर्फ दो कॉफी ली है क्योंकि गर्मी बहुत है, वही है। और गर्मी के मौसम में ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए वरना दाने निकल आएंगे बम पे। तो चलिए हम अबू पेप्सी पी रहे हैं, ये लिए ये एनर्जी देती है आपको, हम गरीबों के आगे मैं जागता रहा। सारा कोई पी रहा है यहां की कॉफी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि कभी भी आप ट्रैवल के लिए जाए ना, तो भरे पेट के साथ कभी भी नहीं निकलिएगा, क्योंकि आपको नींद आएगी उस भरे हुए पेट। ये अब आपका एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज, अगर आप बीच में ना आपको कॉफी मिल जाए रास्ते में, तो आप एक कप कॉफी लाजमी पिए, और रास्ते के लिए या तो छालिया या चिंगम या कोई ऐसी चीज जो आपके मुंह को हिलाती रहे। ये बड़ा भैया पेट्रोल डलवा रहे हैं, जो कि बना है 6,400 रुपया पेट्रोल डाल दिया, तो पेट्रोल वगैरह डलवा के हम फारे हो गए और हम दोबारा से अपना कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अब मोटरवे के मज़े लेके और मोटरवे से नीचे उतर चुके हैं, क्योंकि ये आखिरी है हिस्सा मोटरवे का हमारे पाकिस्तान का। इसके बाद जो सक्खर हैदराबाद का है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बहरहाल मोटरवे हम उतर गए, सक्खर हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम हमारा ट्रैवल जो है वो बरासा NH-GT रोड, और ये बहुत ही तकलीफदेह रूट है हमारे लिए, क्योंकि ये रोड अच्छी नहीं बनी हुई होती, फिर ये कि आबादी है साथ साथ, तो गाड़ी इस तरीके से आप सेफ एंड साउंड नहीं चला पाते, आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ऑल द बेस्ट। ये देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ छोटी छोटी बहुत कटी हुई, ये बेसिकली ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रूढ़ी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं या हमारे लोकल कंस्ट्रक्शन में घरों में जो इस्तेमाल होती है, छोटी बड़ी हर साइज़ की यहाँ पर क्रश होती है, और वो इन पहाड़ियों को ही काट के जो है वो बनाई जाती है। तो ये पूरा एरिया इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। सब
छोटे छोटे टीले कटिंग की हुई है इन्होंने और इसको बाकायदा छोटे छोटे स्टोन्स में जो है ना वो क्या कहते हैं पत्थरों में रोड़ी जिसे बोलते हैं। हम खैरपुर के इलाके से गुजर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि खैरपुर मशहूर है यहाँ पे खजूरों के बाग के हवाले से। तो अगर आप ये देखें सफर, ये सारे हमारे दाएं लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे खजूरों के बागात हैं और इनके ऊपर अगर आप देखें इस वक्त खजूरें लटकी हुई हैं और कच्ची लटकी, यानी कि अभी ये अंडर क्या कहेंगे पकने वाली हैं ये, और इसको अभी टाइम लगेगा पकने में। और जब ये पक के उतरती हैं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोड के दोनों तरफ और सेंटर में सिर्फ खजूरें ही होती हैं, बाकी खजूरें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वो हमारे दरियाए सिंध का एक पोर्शन आएगा, यानी पोर्शन क्या है बस ये दरियाए सिंध का एंड है और ये दरिया यहाँ से गुज़र के एंड यूँ कहते हैं कि आगे समंदर में इसका पानी गिरता है। तो ये भी हम दिखाएंगे आपको कि दरियाए सिंध का इस वक्त पानी का लेवल क्या है, आया पानी है या पीछे से इसको रोक देते हैं, क्योंकि होता ये है कि इसका पानी पीछे रोक दिया जाता है ताकि कम से कम पानी जो है वो समंदर में गिरे। पानी रोका हुआ है और ये बिल्कुल आगे नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं शायद यहाँ से दिखा सकता हूँ कि ये सिर्फ सैंड है यहाँ पर, पीछे पानी रोका हुआ है और पीछे पानी रोका हुआ है और ये देख रहे हैं बहुत थोड़ा पानी है यहाँ पर, अदरवाइज़ अगर पीछे से पानी बहुत ना हो तो ये पूरा भरा हुआ होता है। ये दरिया सिंध है और ये हम इसके पुल से ऊपर से ये हैदराबाद और कराची के दरमियान, कराची जो है वो आप आगे की तरफ है और हैदराबाद पीछे की सगत। हम कराची की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हैदराबाद से निकलने के बाद ये एक टूर प्लाजा आया है रोटरवे का, यहाँ से सिंपल अब पर्ची लेके और गुजर जाएंगे यहाँ से लेके पर्ची, सिर्फ यहाँ पे इतना ही काम कर रहा है हमने। ये देने वाला शायद साहब भी कोई नहीं बैठे हुए, अगर आप देखें ये खाली है, तो इसका मतलब है कि हमने पर्ची नहीं लेनी और ऐसे ही निकल जाना है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, सीधे हाथ पे देखें तो ये विंड टर्बाइन्स लगी थी जिससे हम बिजली पैदा करते हैं और ये हैदराबाद कराची के दरमियान पड़ती है और लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे ये विंड टर्बाइन्स, हैदराबाद कराची के दरमियान चार से पांच पहाड़ी सिलसिले हैं जो लगते हैं। तो जिस वक्त हम पीछे से गाड़ी दौड़ाते हुए आ रहे होते हैं तो गाड़ी की स्पीड अगर 110-120 है तो उस पर चढ़ते चढ़ते गाड़ी की स्पीड 80-90-70 पे आ जाती है, क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत है। ये भी एक इसकी खूबसूरती है हैदराबाद कराची की पकड़ने की कि ये पहाड़ी सिलसिले में छोटे छोटे होते हैं। अगर आप कंटिन्यू रखें तो आप इंडस हाईवे की तरफ चले जाएं जो कि 7 पे जाके लगता है, तो वो पूरा पहाड़ी इलाका है। आप अगर ट्रैवल करेंगे 7 के लिए तो वो पूरा पहाड़ी इलाका है उस एरिए, तो ये पहाड़ी सिलसिला चला आ रहा है काफ़ी दूर। बात करी थे वही हाइट अपू यही है ना, बोले अपनी स्पीड फुल तेज कर दिया ताकि चढ़ते वक्त 80 पे चली जाएगी ना, 120 तक लेके जाएंगे, ये फोकस करेंगे तो ये है हाइट। और उल्टे हाथ पे हमारे ये आगे ये सीमेंट फैक्ट्री है, बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन ज़्यादा मज़ा इसका है वो हाइट का। अब वो भगाएं 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 ये जगह नहीं दे रहा है यार, ये हाइट है ना, ओए 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 भगाएं 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 अब भगाएं, वैसे ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। अब मुझे लगता है हमें हल्की कर देनी चाहिए। एक चीज़ और भी है कि अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई पे नहीं चढ़ रही और आपकी गाड़ी रोड ज़्यादा ले रही है तो आप दाएं बाएं गाड़ी को मूव करें ताकि गाड़ी चढ़ने में आसान हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको अगर स्ट्रेट है तो आप लेफ्ट ले जाएं पहले गाड़ी को चढ़ाते हुए और फिर राइट ले जाएं, चेक करके आप गाड़ी को ऊपर ले जा सकते हैं, फिर आपकी गाड़ी आसानी से ऊपर चल जाएगी, आसानी से ऊपर चल सकती, वरना नहीं जा सकती, वरना जाएगी लेकिन वो जोर ले तरीके से नहीं जाएगी। और आप टेंशन ना लें क्योंकि मैं अब आगे बैठ गया, मम्मा पीछे बैठ गए, मम्मा थक गई थी वीडियो बना बना के, तो इसलिए मैं आगे आ गया, अब्बू के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे है ना अब्बू जी। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी निशानी है यहाँ पर कि यहाँ पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बहुत तादाद में अलम पहुँचते हैं, यहाँ पर ज़ाहिर आके
थे, ये पहले बहुत थोड़े थे लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में, एक या दो अलम हुआ करते थे और अब यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अलग अलग लोग यहाँ पे ज्यारत करते हैं। ऐसा ही है तो वो, और कितना टाइम रह गया हमारे पहुँचने में? अभी भी घंटा भर, अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो हमारे दुब गए बैठ बैठ के। ये रास्ते में हाईवे के पड़ता है DHA, एक कराची का DHA और एक वो एक हमारे मुल्तान का DHA। मुल्तान का DHA बहुत बड़ा है इसका फिर कराची का, मुल्तान का DHA बहुत मुल्तान से भी बड़ा है, मुल्तान का DHA का रकबा मुल्तान शहर से भी बड़ा है। इससे ये तो मुझे ये चीज़ मैं बता रहा था तन्ने को यार, यहाँ का पता नहीं व्यू आएगा नहीं आएगा, लेकिन अरे भाई आप ये देखो कि दोनों साइडों पर पहाड़ियाँ काट के उसको बनाया है, जब भी बनाएंगे और ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं और ये स्लोप बहुत डेंजर होता है और ये हम नीचे उतरते चले जा रहे हैं और बगैर किसी एक्सीडेंट के हमने के गाड़ी की स्पीड छोड़ दी है और ये खुद नीचे चलती चली जा रही है, हमने पाँव उठा लिए ना ब्रेक पे और ये आगे नहीं पाँव उठा, ये खुद जा रही नीचे पोजिशन, इतना स्लोप है। पता नहीं क्यों बना दिया था मुल्तान में, मुल्तान में बनाना नहीं चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी, जैसे मुल्तान में मेट्रो की जरूरत नहीं है ऐसे मुल्तान में DHA की भी जरूरत नहीं, ऐसा ही है। और ये हमारी राइट साइड पे आ गया बैरियर टाउन, जो कि हमने जब से ये बना हमने उस वक्त देखा भी नहीं है, कोशिश ये है कि इस दफ़ा शायद वो आप लेके चलेंगे ना। नहीं लेकिन हमने देखा नहीं है, बड़े हमने इसे वीडियोज़ में देखा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनी हैं, हम भी बस दूर से ही देखते हुए जाते हैं। कराची का ट्रैफिक बहुत होता है, हम लग जाते हैं ट्रैफिक में, इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे, एक तो वो चीज़ भी दुख जाती है और दिमाग भी अलग ख़राब हो जाता है, इसलिए हम निकलते ही नहीं गए। सही कह रहा ना मैं? मम्मा भी कह रही है कि मैंने इस दफ़ा बैरियर टाउन देखना है, तो बस 10-15 मिनट का सफ़र रह गया, क्योंकि अभी टोल प्लाजा आ जाएगा फिर हम इंशाल्लाह कराची के अंदर एंटर हो जाए। और फाइनली कीरांची का भाई आ गया है टूल प्लाजा। चलो भाई चलो 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 लेट्स गो। मिनट का सफ़र रहेगा हमारा, और सबसे बड़ा मसला यहाँ का कराची में है कि मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे नॉक हो सकता है और आपका मोबाइल जा सकता है, तो इसलिए डायरेक्ट घर जाके ख्याल हो कि तभी जिंदा हो जाएगी हमारी, तो अब डायरेक्ट घर जाके मिलते हैं, बस 2 मिनट ही रह गए बस। Hours later. Samira hai ki duty hai. गाय का खाने का टाइम है, इसको हम डला के आ गए थे, तो भाई लाइक करें, हम लोग ये व्लॉग को एंड करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तब तक कर दिएगा भाई, कर दिएगा, कर देना भाई, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।